हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ध्रुव पंचाल और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी स्क्रीन को कंप्यूटर जैसे बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यहां पर जो रेड बटन दिख रहा है वहां पर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप हमारे नए वीडियो के आने की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन को कंप्यूटर जैसे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा सबसे पहले, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा कंप्यूटर लॉन्चर। तो फ्रेंड्स, ये जो कंप्यूटर लॉन्चर है आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको इंस्टॉल करना होगा और मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ मैं ओपन का ऑप्शन क्लिक करूँगा तो डिवाइस नेम लिख देना अभी स्टार्ट, तो आपको यहाँ पे ऐसा लुक दिखेगा। नेक्स्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अभी हम इस लॉन्चर को एक्टिवेट करते हैं, डन। तो फ्रेंड्स, ये है एक कंप्यूटर के जैसा दिख रहा है, जैसे कि विंडोज 10। हम यहाँ पे जो विंडो का ऑप्शन दिया है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आपको सारी अपने फ़ोन पे जो एप्लीकेशन है वहाँ पर ये देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो फोटोस है ये यहाँ पर कैमरा ओपन होगा और फ़ोन के अंदर जो इनबिल्ट ऐप है वो देखने को मिलेगी आपको। फेसबुक ऑप्शन भी आपको मिल जाता है और यहाँ पर माई कंप्यूटर का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर लोकल डिस्क सी जैसे कि पीसी में लिखा होता है ऐसा ही मिलेगा। वीडियोस पिक्चर का ऑप्शन भी मिल जाता है। और फ्रेंड्स, आप जैसे कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है वैसे ही यहाँ पर भी आपको एक रिसाइकल बिन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि आप कोई फाइल डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पर सेव हो जाएगी। और फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।